फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेन स्टिच। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए एक यूनिक आइडिया लेकर के आई हूँ, बहुत ही प्यारा है। तो जो कपड़े की स्ट्रिप हमारे पास बच जाती हैं, कोई तिरछा, छोटा, बड़ा, टेढ़ा, जैसा भी होता है, उनको हम एक साथ इकट्ठा करके रख लेते हैं और बाद में किसी न किसी यूज़ में हम लेते हैं। तो आज यही रीयूज़ देखेंगे आप, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें से मैंने कुछ स्ट्रिप ले ली हैं, तो इनको हम एक बराबर रख लेंगे। अगर चौड़ा या फिर बड़ा है तो उनको एक बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम इनको वन बाय वन रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ऐसे मैंने इनमें सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हम इसमें से फिर से चार स्ट्रिप कट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको अब तिरछा कट हम कर लेंगे। तिरछा कट करने के बाद इनको एक दूसरे के साथ में पलट के रखेंगे, जिससे ये बॉक्स के शेप में आ जाएंगे जो स्ट्रिप कट करने के बाद हैं। फिर इनको हम अटैच कर लेंगे दोबारा से। उसके बाद कुछ इस प्रकार का हमारे पास एक ये कपड़ा तैयार हो जाएगा बन करके। और उसके साथ में मैंने एक और लिया है जो पहले से बन करके रेडी था, आधा बन गया था, आधा मैंने बाद में बना। उसके बाद हम एक कैरी बैग लेंगे, कैरी बैग के हैंडल को कट कर देंगे और नीचे की साइड में कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, दूसरे को भी बराबर कर लेंगे। अब जो कैरी बैग है उसको दोनों साइड से कट कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे से फटा हुआ था, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे रखेंगे, पहले कैरी बैग, उसके नीचे डिजाइन वाला कपड़ा, उसके नीचे कोई भी प्लेन कपड़ा, यानी कि यहाँ पे हम लाइनिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोई भी रख सकते हैं। इसके बाद हम पिनअप कर लेंगे, क्योंकि ये तीन हो गए हैं, सिलाई करते टाइम हिले नहीं, इस करके पिनअप करेंगे। अब इसको हम डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद में ऊपर वाली छोर पर जिधर से कॉर्नर है यहाँ पर मार्किंग करेंगे, अंदर की साइड में 2 इंच, नीचे की साइड में 3 इंच, और इसको यहाँ पे राउंड में हम मार्किंग करके कट कर लेंगे। इस प्रकार से, और अब हम दूसरी साइड में भी एक बार इसको सीधा करेंगे, पलट लेंगे। दूसरी साइड में भी हमको सेम तरीके से कट कर लेना है इसको। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइडिया अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको आइडिया कैसा लगा। अब हम इनके दोनों साइड के छोर को सिलाई लगा लेंगे, ये वाला हिस्सा और ये दूसरे वाला हिस्सा। सिलाई लगाने के बाद इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। राइट साइड में टर्न करने के बाद इसकी दोनों साइडों में सिलाई लगाएंगे, और ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर मैंने पिंक स्ट्रिप अटैच की है। अब हम 6 स्ट्रिप रेडी करेंगे और इनको चोटी की तरह गूंथ लेंगे। ये हमने ली है 25 इंच लेंथ की, और इस प्रकार से इनको गूंथेंगे तो हमारे पास 2 डोरी बन करके रेडी हो जाएंगी। अब जिधर साइड से हमने कट किया था उधर साइड में इसको अटैच करेंगे। इसका पिंक वाला हिस्सा हम ऊपर रखेंगे और ब्लू और येलो जो है उसको नीचे की साइड में रखेंगे। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे दोनों साइड में हमने डोरी अटैच कर ली है ऐसे रख के। अब इसको एक बार फिर मोड़ लेंगे, डबल करेंगे। डबल करने के बाद नीचे से 2.5 इंच तक फोल्ड करेंगे और साइडों में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को साथ के साथ कवर कर देंगे। अब राइट साइड में टर्न करने के बाद देखेंगे कि हमारा एक बहुत ही प्यारा सा रंग बिरंगा बैग बन करके रेडी हो गया है। दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आइडिया पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए नए आइडियाज़ देखने के